अस्सलामु अलैकुम आप सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अदाकार फिरोज खान ने जिट मंगनी पट ब्याह के स्टाइल में दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद फिरोज खान के बेटे के साथ जो सलूक हुआ वो क्यों हुआ और किसने किया? दोस्तों, शादी के बाद फिरोज खान के बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। दोस्तों, फिरोज खान ने जब अपनी शादी के मौके पर इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ अपनी कुछ वीडियोस और पिक्चर्स शेयर की, तो खास तौर से उन्होंने ये क्लिप भी दिखाया जिसमें उनका बेटा अपने बाप और उनकी नई दुल्हन के लिए बेडरूम का दरवाजा खोल रहा है, जैसे कि वो उन्हें वेलकम कर रहा हो। यकीनन ये हरकत फिरोज खान के बेटे ने खुद तो नहीं की होगी, ये तो उससे करवाई गई होगी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि दूसरी शादी से उनके बेटे बहुत खुश हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि हकीकत यह है कि फिरोज खान का बेटा, जो कि अपनी सगी माँ से बिछड़कर अपने बाप के पास रह रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब रह रहा है और उसे इस वक्त अपने बाप की मोहब्बत और उनकी तवज्जो की पूरी जरूरत है। तो दोस्तों, फिरोज खान के बेटे रोजाना अपने वालिद के साथ सोने के आदि हैं, लेकिन फिरोज खान ने शादी की रात अपने बेटे को कमरे में आने ही नहीं दिया। उनका बेटा रात भर कमरे का दरवाजा पीटता रहा और रोता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। अब दोस्तों, ये हरकत फिरोज खान ने खुद की या उनकी नई बीवी दुआ के कहने पर ऐसा हुआ? सुना है कि फिरोज खान का बेटा अब कुछ दिनों के लिए अपनी वालदा अलीजा सुल्तान के पास चला गया है। दोस्तों, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।